नियुक्ति किसने की मेरे भाई? मैंने की है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? एक बात सुन लीजिए, अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है, और मैं अभी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है, जबकि अतीक अहमद उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे, और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं, उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी आईटी सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए, उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। आपराधिक जो समूह है, चाहे आपराधिक व्यक्ति हिंसा का या अपराधी जो कि इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके पैसा कमा रहा है, जमीनों पर कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और मैंने चलिए मैंने मांग की है कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो जांच आयोग बनाया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप ये भी डालिए कि अतीक अहमद के किन किन से आपराधिक किन किन से व्यावसायिक संबंध थे, कौन कौन से नेताओं से संबंध थे, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारियों से संबंध थे, वो भी उजागर होना चाहिए। क्योंकि माफिया का हेड तो चला गया लेकिन माफिया तो जिंदा है, उन माफियाओं पर को भी खत्म करना चाहिए। सर आपने संगठन की बात की, इसी में विकास दुबे जब आया था तो वो भी बड़े आसानी से इतनी सुरक्षा के बीच महाकाल मंदिर आ गया था, ये 6 महीने आपको लगता है कि मध्य प्रदेश से भी कोई कनेक्शन है? देखिए मैं विकास दुबे जब महाकाल पहुंचा था और सरेंडर हुआ था तभी मैंने कहा था कि इसकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। अब महाकाल विकास दुबे जी ने क्यों चुना? आप कहेंगे जी आप क्यों लिख रहे हैं, ये व्यंग है। विकास दुबे जो कि अपने आप में बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने महाकाल के मंदिर और मध्य प्रदेश को क्यों चुना? इसमें क्या गृह मंत्री जी का कहीं संबंध तो नहीं था? ये मेरा प्रश्न है, नंबर एक। नंबर दो, गृह मंत्री जी रोज कुछ न कुछ बाइट देते हैं, आप लोगों को बड़ा उबलाइज करते हैं, आप लोगों को खबरें भी देते हैं। इतनी बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जो तिवारी महाशय, तिवारी महाशय जो है उनको महाशय आप कह रहे हैं, उसको महाशय क्यों कह रहे हैं? नवलेश तिवारी जिसने ये किया, उसने यदि इस प्रकार की पोस्ट डालकर भी उस पर गृह मंत्री जी चुप क्यों रहे, तो हम लोग उत्तर उनसे जानना चाहते हैं। क्या गृह मंत्री जी हमें बताएंगे कि क्या उनका संरक्षण उसको था क्या?